सरकार के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शुक्रवार को मुंडा पांडे में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें 130 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 60 मुस्लिम जोड़ों का निकाह हुआ तथा 70 जोड़ों का विवाह हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार हुआ। अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को उपहार व आशीर्वाद दिया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता व मुख्य अतिथि ठाकुर रामवीर सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत मुंडा पांडे के क्षेत्र महर्षि दयानंद डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में 130 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। जिलाधिकारी ने सभी नवविवाहित जोड़ों के सुखमय दंपत्य जीवन की कामना की और अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान की। साथ ही विकासखंड क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में किए गए कार्य जनता को समर्पित किए। इस अवसर पर मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव, खंड विकास अधिकारी श्रद्धा गुप्ता, एडीओ समाज कल्याण सुनील कुमार के साथ ही ब्लॉक के समस्त अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। विकासखंड मुंडा पांडे के भदासना में महर्षि दयानंद डिग्री कॉलेज पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 130 जोड़े टोटल विवाह के बंधन में बंधे हैं, जिसमें से 60 जोड़े हिंदू विवाह रीति रिवाज से जुड़े हैं और 70 मुस्लिम समाज से निकाह हुआ है। मेरा यही संदेश है कि सामूहिक विवाह से बहुत सारी कुरीतियाँ दूर होती हैं, दहेज प्रथा पर रोक लगती है, भ्रूण हत्या पर भी रोक लगती है, तो समाज को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। और मैं एक चीज़ और कहता हूँ, आज हम लोगों ने जो ब्लॉक में हमारे विभिन्न विभागों के जो कर्मी अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, उनको भी सम्मानित कराया था और क्षेत्र पंचायत निधि से 100 से भी अधिक जो कार्य किए गए हैं उनका लोकार्पण कर जनता को भी समर्पित किए हैं। नहीं, ऐसा कोई हमारे संज्ञान में नहीं आया है और हमने पूरा प्रयास किया है कि कोई भी अपात्र इसमें शामिल ना हो पाए और हमने तीन तीन स्तर से इसकी जांच करवा के तभी ये सूची फाइनल की गई है। ऐसा कोई हमारे संज्ञान में नहीं आया। बिल्कुल निस्संदेह उनके खिलाफ अगर कोई ऐसा अगर आप लोगों के माध्यम से कोई भी और हमें ऐसा बताता है कोई अपात्र है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो भी धनराशि और जो भी सहायता मिलनी है उसको वो नहीं मिलेगी। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 130 जोड़े की विवाह हो रहा है, जिसमें 70 जोड़े हिंदू पक्ष से हैं और 60 जोड़े मुस्लिम पक्ष से हैं। सभी जो है खुश हैं, गौरवान्वित हैं कि इतना बड़ा आयोजन ब्लॉक मुंडा पांडे में सभी के सहयोग से, जन सहयोग से और मुख्यमंत्री जी की योजना के अंतर्गत योगी आदित्यनाथ की ये विवाह संपन्न हुए हैं। इसमें हमारे सम्मानित जिलाधिकारी आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी ने भी प्रतिभाग किया और सभी को आशीर्वाद एवं आशीष वचन से गौरवान्वित किया और इसी तरीके के काम आगे भी और अच्छे ढंग से होते रहेंगे। योजना के अंतर्गत विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 130 जोड़ों की यहाँ आज शादी कराई जा रही है, जिसमें 70 जोड़े हिंदू समुदाय से संबंधित हैं और 60 जोड़े मुस्लिम समुदाय से। इस योजना के तहत जो लाभार्थी परिवार हैं उनको 35,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, 10,000 रुपये की उनको सामग्री दी जाती है, जिससे कि जो ऐसे परिवार जो बहुत गरीब हैं, जो अपने आप शादी नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मदद है। और इस तरह के कार्यक्रम पूरे ज़िले में हो रहे हैं और यहाँ पर मैं यहाँ के ब्लॉक प्रमुख जी का और खंड विकास के विकासखंड के सभी अधिकारी कर्मियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है और आज मौसम भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत सुहाना मौसम भी है, ऐसे माहौल में यहाँ पर विवाह सम्पन्न हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाले का भी आशीर्वाद इन जोड़ों को मिल रहा है और ये अच्छा भविष्य व्यतीत करेंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि विवाह के उपरांत को इनको रोजगार मिले, ये अपने पैरों पर खड़े हों, उस दिशा में भी हम सब लोग मिलकर बेहतर प्रयास करेंगे।